नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। देखिए, होम्योपैथी में कुछ दवाइयाँ बहुत ज़्यादा वाइडली यूज्ड हैं और उनके बहुत अच्छे रिजल्ट्स भी हैं। उनमें से एक दवा है बर्बरिस एक्वाफोलियम। आज इस वीडियो को अगर आप देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि वास्तव में बर्बरिस एक्वाफोलियम किस तरह से सही तरह से इस्तेमाल करने पर बेस्ट रिजल्ट्स प्रोड्यूस कर सकती है और कौन से पेशेंट्स में वास्तव में बर्बरिस एक्वाफोलियम के यूज़ से बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। ये वीडियो इसलिए ज़रूरी है क्योंकि हर मरीज़ को बर्बरिस एक्वाफोलियम से बेस्ट रिजल्ट्स मिलना ज़रूरी नहीं है। उसके अलावा भी बहुत सारी होम्योपैथिक मेडिसिन हैं, इसलिए आप इस वीडियो को ध्यान से देखिए। मेरी बात समझ में आएगी तो मुझे सिर्फ एक थम्स अप दीजिएगा और वीडियो को जनहित में लोगों तक शेयर कीजिएगा। तो चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं कि आखिर ये बर्बरिस एक्वाफोलियम क्या है। बर्बरिस एक्वाफोलियम एक अमेरिकन श्रब है, एक छोटा सा पेड़ है और उस पेड़ की रूट से ये दवाई बनाई जाती है। ये मेडिसिन बेसिकली आप इसको महोनिया एक्वाफोलियम के नाम से भी इंटरनेट पर ढूंढ सकते हैं। इसे माउंटेन ग्रेप्स भी बोला जाता है। ये दवा बेसिकली एक बहुत ही अच्छी फेयरनेस एजेंट की तरह काम करती है। यानी अगर आपका स्किन ग्लो कम हो गया है, स्किन चार्म कम हो गया है, डिस्कलरेशन बहुत हो रहा है, तो बर्बरिस एक्वाफोलियम इज अ वेरी गुड रेमेडी फॉर दैट। अगर इसके अलावा अगर आप वास्तव में बर्बरिस एक्वाफोलियम से बेस्ट रिजल्ट्स चाहते हैं तो किन पेशेंट्स को बेस्ट रिजल्ट मिलेंगे ये भी समझ लीजिए। सपोज करिए आप एक यंग फीमेल पेशेंट हैं जिसको अक्सर बहुत ज़्यादा हल्का फुल्का हेडेक हो जाता है, बहुत जल्दी हेडेक हो जाता है, जिसको डिहाइड्रेशन साइंस रहते हैं, यानी स्किन उसकी ड्राई रहती है, बॉडी उसकी ड्राई रहती है, यूरिन बहुत ज़्यादा नहीं आती है, उसको हमेशा वीकनेस ही महसूस होती रहती है, साथ में एक्ने बहुत ज़्यादा होते हैं, किसी को एक्जिमा, ड्राई एक्जिमा हो सकता है, सूर्यासिस हो सकती है, मल्टीपल स्किन डर्मेटाइटिस हो सकती है, लेकिन कुल मिला के जो स्किन का टेक्स्चर है दैट इज़ ड्राई, मतलब आप जब भी हाथ लगाएंगे ऐसा लगेगा कितनी मेरी सूखी सी स्किन है और मैं बहुत ज़्यादा ऑयलिंग करती हूँ, बहुत ज़्यादा मॉइस्चराइजिंग करती हूँ, बहुत ज़्यादा क्रीम्स यूज़ करती हूँ, उसके बावजूद जो मेरी स्किन की ड्राइनेस है वो कम्प्लीटली या जो है मेरे की मदद नहीं कर पा रही है और इसी वजह से मेरी स्किन का जो टेक्स्चर है वो और ज़्यादा डल होता जा रहा है। तो ऐसे पेशेंट्स के लिए बर्बरिस एक्वाफोलियम इज़ अ वेरी वेरी गुड रेमेडी और ये बहुत अच्छे रिजल्ट्स इन पेशेंट्स में प्रोड्यूस करती है। अब सपोज आप एक ऐसी फीमेल पेशेंट है जिसकी स्किन ऑयली है, एक्सेसिवली ऑयली है या पसीना बहुत ज़्यादा आता है, तो ऐसे पेशेंट्स भी बर्बरिस एक्वाफोलियम यूज़ कर सकते हैं, बशर्ते कि आपको मल्टीपल एक्नेज हों और साथ में आपको कुछ मेंस्ट्रुअल डिसऑर्डर्स भी हों जिसकी वजह से आपकी बॉडी में हीट बहुत ज़्यादा रहती है और आपको इसी वजह से जो स्किन कंप्लेंट्स हैं वो बार बार बनी रहती हैं। एक्ने हो जाते हैं तो वो एक्ने अगर हट भी जाए किसी मेडिसिन को यूज़ करने से तो वो स्कार्स छोड़ देते हैं। तो बेसिकली इन पेशेंट्स के लिए बर्बरिस एक्वाफोलियम बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स देती है। अब सवाल ये उठता है क्या सही तरीका है बर्बरिस एक्वाफोलियम को इस्तेमाल करने का। तो सही तरीके का सबसे पहले हम बात करेंगे कि हम किस तरह इस्तेमाल करें, फिर हम बात करेंगे कौन से पावर में इस्तेमाल करें। तो किस तरह इस्तेमाल करें, बहुत सारे पेशेंट्स जो हैं वो बर्बरिस एक्वाफोलियम के जेल और क्रीम्स का इस्तेमाल करते हैं। देखिए जेल और क्रीम इफेक्टिव है पर मैं आपको फ्रेंकली बताऊँ इतना ज़्यादा अच्छा रिजल्ट प्रोड्यूस नहीं कर पाते जितना कि एक्सपेक्टेड होता है। इसके पीछे क्या रीज़न है मैं उसमें डिटेल में नहीं जाऊँगा। अब हम बात करेंगे कि आखिर कैसे आप बेस्ट रिजल्ट्स लें बर्बरिस एक्वाफोलियम के संग में। तो देखिए जो हम अपने पेशेंट्स को बताते हैं वो तरीका आप भी समझिए कि आप अगर ड्राई स्किन के पेशेंट हैं चाहे ऑयली स्किन के पेशेंट हो, आपको फेस पैक के तरह बर्बरिस एक्वाफोलियम को इस्तेमाल करने से ज़्यादा बेटर रिजल्ट्स मिलेंगे। तो फेस पैक कैसे बनाएंगे आप, आपको चाहिए मुल्तानी मिट्टी बिल्कुल प्रॉपरली पिसी हुई, उसके अलावा आपको ड्राई चंदन पाउडर चाहिए और साथ में आपको गुलाब जल चाहिए। तो आप इन तीनों चीज़ों को मिला के एक प्रॉपर पेस्ट बना लीजिए और उसमें बर्बरिस एक्वाफोलियम के लगभग 30-40 ड्रॉप्स उसमें डाल दीजिए। उस पेस्ट को आप प्रॉपरली अप्लाई करिए और फेस मास्क की तरह यूज़ करिए। आप चाहें तो ऑलरेडी जो हमारे मॉडर्न पेशेंट्स हैं वो प्री प्रिपेयर्ड मास्क जो मार्केट में आते हैं अच्छे ब्रांड्स के, आप उन कॉस्मेटिक ब्रांड्स के मास्क को ले सकते हैं, वो ऑलरेडी प्री सोक्ड होते हैं, मॉइस्चर्ड होते हैं। आप उन मास्क के ऊपर भी बर्बरिस एक्वाफोलियम के मदर टिंचर की ड्रॉप्स डालकर अपने फेस के ऊपर लगाकर रख सकते हैं, इससे भी आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे।
कुछ पेशेंट्स अगर बर्बरस एक्वाफोलियम पीना चाहते हैं तो वो पी सकते हैं, जैसे 10 बूंद दिन में 3 बार के हिसाब से ले सकते हैं, पर थोड़ा सा बर्बरस एक्वाफोलियम एक्सटर्नल यूज़ की दवा ज़्यादा है रेदर देन इंटरनल यूज़। अगर आप इंटरनल यूज़ में लेना चाहते हैं तो उसके अलावा बहुत सारी डिफरेंट मेडिसिन हैं जो कि इंटरनली एप्लीकेशन के लिए बहुत अच्छे रिजल्ट देती हैं, डिपेंडिंग अपॉन कि आपके सिम्टम्स क्या क्या हैं। ठीक, अब हम बात कर देंगे इस बारे में कि कौन से पावर में इस्तेमाल करनी चाहिए। देखिए बर्बरस एक्वाफोलियम वैसे तो मटेरियल डोजेस का मतलब होता है ज़्यादा क्वांटिटी में इस्तेमाल करने से बेहतर रिजल्ट्स प्रोड्यूस करती है, इस वजह से पीने में उसे इस्तेमाल कम करना चाहिए, लगाने में ज़्यादा इस्तेमाल करना चाहिए। दैट मीन्स एक्सटर्नल एप्लीकेशन में बर्बरस एक्वाफोलियम का यूज़ ज़्यादा होना चाहिए, इसलिए मदर टिंचर का इस्तेमाल आप ज़्यादा कर सकते हैं। अगर आप एक एक्सपीरियंस डॉक्टर के संपर्क में आते हैं तो कुछ डॉक्टर्स, मेरे जैसे अच्छे डॉक्टर्स, बर्बरस एक्वाफोलियम 30 पोटेंसी में भी यूज़ करते हैं सिलेक्टेड पेशेंट्स के लिए, जहाँ पर हमें एक्सपेक्टेड रिजल्ट्स नहीं मिल रहे हैं पेशेंट्स में जब वो एक्सटर्नली अप्लाई कर रहे हैं। तो अब 30 पोटेंसी कितनी बार लेनी है वो डिपेंड करता है कि आपके सिम्टम्स एग्जैक्टली क्या हैं, और अगर रिक्वायर्ड है तो हम आपकी मेन मेडिसिन एज पर योर सिम्टम्स कौन सी सिलेक्ट कर रहे हैं। तो हो सकता है बर्बरस एक्वाफोलियम 30 की ज़रूरत ही ना पड़े। तो इस तरह इट्स अ वेरी गुड रेमेडी, बट द पॉइंट इज कि आप उसको बहुत ज़्यादा क्रीम या फिर जेल्स के फॉर्म में इस्तेमाल करने से बेटर है डायरेक्टली टिंचर के फॉर्म में यूज़ करें, आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स देगी। ये एक बहुत ही अच्छी रेमेडी है, पर प्लीज़ आप इसको केवल फेयरनेस रेमेडी की तरह इस्तेमाल ना करें, बिकॉज देखिए फेयरनेस जो होती है इट्स अ रॉन्ग टर्म। ये सिर्फ आपके स्किन के ग्लो को बढ़ाने की दवा है, आपके स्किन के ड्राइनेस को ठीक करने की दवा है, आपके स्किन की हेल्थ को मेंटेन करने की दवा है। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा बर्बरस एक्वाफोलियम के बारे में जो मैंने बातें बताई हैं। आप इन बातों से संतुष्ट हैं तो सिर्फ रिक्वेस्ट रहेगी कि मुझे एक थम्स अप दीजिएगा, वीडियो को जनहित पे लोगों तक शेयर कीजिएगा। इस वीडियो में सिर्फ इतना ही, मेरी तरफ से नमस्कार, थैंक यू।